तो आइए दोस्तों, आज का टॉपिक लेके मैं आया हूँ, सरिये का वजन कैसे निकालते हैं और रिंग का जो है मतलब गुनिया कैसे निकालते हैं। तो चलो मैं पहले डेट लिख देता हूँ आपको। ये है डेट, ये है डेट। अभी मैं पहले क्या करता हूँ, रिंग का गुनिया निकाल देता हूँ, क्योंकि रिंग का गुनिया निकालना वो क्या है कि कठिनाई है। तो पहले मैं गुनिया निकाल देता हूँ, इसके बाद मैं वेट निकाल दूंगा। तो चलो गुनिया पे चलता हूँ। तो गुनिया मैं किसका ले लूँ, 520 में 520 का ही ले लेता हूँ, क्योंकि उसका मैं फुटिंग भी दिखाया हूँ, उसी साइज का आपको कॉलम भी दिखाया हूँ, तो उसी का गुनिया भी दिखा देता हूँ। तो ये है आप, चलिए पहले पहले ये लिख देते हैं JM। अभी मैं निकाल दिया ये रिंग का साइज। अभी इसका साइज कितना था, 520 बाय 520। ध्यान से देखना दोस्तों, इसलिए कि ये गुनिया निकालना कठिनाई है। आप रिंग तो बना लोगे, लेकिन गुनिया, गुनिया क्या है कि हमारा तिरछा जा रहा है, तो उसको निकालने में कठिनाई है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा तो कोई कठिनाई नहीं है, बशर्ते आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं। ये है 520 बाय 520, तो चारों तरफ हम ले लेते हैं 520 बाय 520। अभी क्या है कि इसको हमें गुनिया निकालना है। गुनिया जैसे आप टेप लगा के इधर से आप नापोगे तो 520 आएगा। अगर हम ये कोना से ये कोना नापेंगे तो कितना आना चाहिए आपके हिसाब से? तो इसको निकालने के लिए क्या है कि आप, ये मैं बता रहा हूँ, ये देखिए, इजिकल टू छोटी कोश 520 इंटू 520, फिर छोटी कोष्ट बंद, इधर से आप प्लस का चिन्ह दे दो और फिर यही चीज लिखना पड़ेगा आपको, 520 बाय 520। अभी क्या है कि फिर आप छोटी कोष्ट बंद कर दो। तो अभी क्या है कि आप एक छोटी कोष्ट बंद कर दिए, देखो इजकल टू, आप छोटी कोष्ट बंद करके 520 इंटू 520 किए, क्योंकि 520 बाय 520 का रिंग है। अगर 530 बाय 520 का ही रहेगा तो वही करना पड़ेगा आपको। लेकिन फिलहाल आपको सैंपलिंग, जो कि आप समझ जाओगे, इसलिए मैं दोनों तरफ बराबर रिंग ले लिया हूँ, ताकि आपको भी समझने में दिक्कत ना हो और हमें भी बताने में दिक्कत ना हो। तो क्या है कि मैं ले लिया, अभी फिर छोटी कोष्ट बंद प्लस फिर छोटी कोष्ट चालू 520 बाय 520 अभी ले लिए। तो इसमें क्या है कि नहीं भी आएगा तो इसको क्या करते हैं हम, इसको अगर इसमें आपको नहीं भी आता है, मैं इसलिए दिखाया हूँ कि ताकि आप अगर छोटी कोष्ट आप चालू करके लोगे तो नहीं आएगा, तो फिर आप हमको बोलिएगा। तो भाई साहब, इजकल टू छोटी कोष्ट 520, सॉरी दो ले लो छोटी कोष्ट, मैं दिखा देता हूँ ये, चलो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, इजकल टू छोटी कोष्ट दो बार छोटी कोष्ट, इसके बाद 520 इंटू 520, फिर एक ही छोटी कोष्ट, फिर प्लस, फिर आ जाओ आप 520 इंटू 520, ये हो गया। अभी यहाँ पे आप दो लिए हैं छोटी कोष्ट, तो और इधर ये दोनों एक ही है कि छोटी कोष्ट। अभी क्या है कि ये जो दो लिए हैं तो लास्ट में आप दो कर दो। ध्यान से देख लो, ये जो मैं ये उदाहरण दिखाया हूँ कि एक छोटी कोष्ट से लेके चलना, एक छोटी कोष्ट से नहीं आएगा तो ये नहीं कि मतलब छोड़ दो, डबल छोटी कोष्ट कर दो, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है, चेंज सिर्फ हमको छोटी कोष्ट ही करना है। तो अभी क्या किया, इजकल टू डबल छोटी कोष्ट 520 इंटू 520, एक छोटा, एक छोटी कोष्ट प्लस, फिर छोटी कोष्ट बंद 520 इंटू 520, फिर डबल छोटी कोष्ट, जैसे शुरू हुआ ना डबल छोटी कोष्ट से, तो वहाँ लास्ट में भी डबल छोटी कोष्ट करो। तो इसका कितना आता है आंसर, ANS, इसका आंसर आता है आपको 735। अभी हम
इसको नापेंगे, इधर से आप टेप लगाओगे यहाँ तक आप नापते हो तो कितना है 735। तो हमें अगर कोई दूसरा आदमी पूछ दे कि भाई साहब इसका गुनिया हमको निकालना है और गुनिया कितना होना चाहिए, तो उससे बगैर मतलब कुछ सवाल की करने से पहले हमको क्या कहना चाहिए कि 735 अगर आता है तो उसे ये नहीं बताएंगे कि -10 mm हम अपने तरफ ले लेंगे, -10, क्योंकि अगर वो निकालेगा भी तो इसको कितना निकलेगा, 735 निकलेगा, और निकलेगा गारंटी निकलेगा 735। तो हमें क्या है कि 10 mm छुपा के चलना चाहिए, ये गुनिये में 10 mm छुपा के, मतलब 10 mm अपने तरफ लेके फिर चल। अगर क्या है 10 mm माइनस कर दिया तो हमें कितना हो गया 725, यानी कि 25 10 35। तो अभी क्या किए कि मैं 10 mm माइनस कर दिया तो कितना बचा 725। अभी वो आदमी जो निकालेगा, जो आपको सुपरवाइजर हो, इंजीनियर हो, चाहे आपका मतलब फोरमैन हो, चाहे ठेकेदार हो, अगर वो निकालेगा और आपसे बोलेगा कि भाई इतना का गुनिया निकालिए, तो आप निकालोगे तो कितना निकालोगे 735, भाई निकलेगा 735, लेकिन आपको जवाब कितना देना है 725, क्योंकि 10 mm हम रख लिए। अभी वो अपना कितना भी जोड़ेगा, कितना भी मतलब टेप लगाएगा, तो उसको कितना निकलेगा 725, जोड़ने में आएगा 735, लेकिन निकलेगा कितना 725। तो ये है हमारा आंसर, ये हो गया आंसर 725। अगर फुल फॉर्म मांगता है तो उसको 735 का फुल फॉर्म दे देंगे हाथ में, लो। अगर रिंग नाप रहा है तो उसका ये आंसर देंगे कि 725 है, आप एक बार टेप लगाना, आप देख लो। तो ये हो गया भाई साहब गुनिया का। अभी मैं इतना जगह में आपको सरिया का वेट कैसे निकालते हैं, ये जगह है सरिया का वेट का। तो अभी आप बोलो कितने का निकालना, 16 का निकालना कि 20 का निकालना, तो चलो 20 का पहले ले लेते हैं। तो ये है हमारा 20 डाया, है ना। तो इसको 20 डाया को वेट कितना निकालेंगे, तो पहले निकालना पड़ेगा 1 मीटर का। जब भी आपको फूल लें तो 12 मीटर का निकालिएगा, तो 1 मीटर को हम पहले निकाल लेते हैं। तो इसको करना क्या है, 20 × 20 बराबर कितना हो गया 400। अभी 400 हो गया तो इसमें भागा कितना करना है 162। अभी क्या है कि 20 × 20 माने 20 का डाया का अगर हम निकालते हैं तो 20 × 20 भागा 162, ये तो बराबर करके 400 लिखा हूँ, 400 में फिर भागा 162, माने एक आप बोलिएगा कि भागा 162 क्यों भाई, मैं 160 ही दूँ, मैं 200 दे दूँ, चाहे मैं मतलब 85 दूँ, तो भाई वो नहीं, आपको और हमारे देने से कुछ नहीं होगा। हमें जो किताब का और जो ड्राइंग का मतलब है उससे हमको चलना पड़ेगा। आपको देने के लिए अगर वो आप 5 ही नहीं है भी दीजिएगा तो हम क्या करेंगे, कुछ करेंगे नहीं। अगर मैं भी नहीं दूंगा तो चले कोई कुछ कहेगा नहीं, लेकिन देना पड़ेगा। और देना पड़ेगा माने कितना 162, जब आपका वजन निकलेगा। तो हम क्या किए, 20 × 20 बराबर 400 भागा 162। तब इसका आंसर कितना निकलने वाला है, ये हो गया 2.469, माने 2 kg 459 kg, ये आ गया। अभी आपको जो निकलेगा वो ग्राम में आएगा, चाहे वो जितना निकलेगा अभी वो ग्राम में आएगा। अभी हमारा 2 kg 469 g, ये है हमारा 1 m 20 का सरिये का, वैसा ही बिल्कुल सेम टू सेम। आप आ जाइए कहाँ पे, पॉइंट पे, 16 का निकाल देता हूँ। तो 16 का देखिए, 16 × 16 बराबर कितना हो गया 256। अभी उसको भी भागा करेंगे कितना 162, क्योंकि अगर इसका किया ना तो आप 10 का सरिया लो, 8 का सरिया लो, 20 का सरिया लो, चाहे 25 का सरिया लो, जहां तक कि आपको जितना का सरिया लेना है उसको दो बार गुना करना आपको। जैसे कि 20 का बता दिए तो 16 का भी वैसे निकाल रहा हूँ, देखिए 16 × 16 = 256, उसमें भी भागा 162 किया हूँ,
तब इसका कितना निकलेगा, इसका मतलब निकलेगा आपको 1.58। अभी 1 kg 580 ग्राम। ये नहीं कि मैं अगर बता रहा हूँ तो ये नहीं कि मेरे बात को मानते जाओ, आप भी निकालो। अगर हो सकता है कि हमें कोई डाउट हो गया हो, लेकिन बाय द वे नहीं, डाउट नहीं होगा भाई साहब। अगर मैं वैसे तो मैं मोबाइल से आपको वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास तो कैमरा वैमरा है नहीं, तो कुछ फोटो अच्छा वीडियो में मतलब डिफेंट होगा, लेकिन इस चीज़ के लिए मतलब में डिफेंट नहीं होगा। वो आप कैलकुलेशन करके इसके बाद आप हमको बताना कि भाई साहब ये गलती था, उसके जिम्मेदार हम हैं। माने ये निकाल लिए, आज का टॉपिक का जो बोले थे ये 20 का भी निकाल लिए और 16 का भी निकाल लिए, चलो ठीक है। और ये भी मतलब रिंग का भी मतलब जो आपको बताए थे कि रिंग का मतलब वो गुनिया निकालना है, तो गुनिया भी हम निकाल ही दिए। अगर नहीं निकाले हैं तो एक बार रिपीट मैं दिखा देता हूँ, वैसे तो निकाला हुआ है, दिखा देता हूँ। ये देखिए रिंग 520x520 का रिंग का मैं गुनिया निकाला हूँ, तो इजकल टू छोटी कोस्ट बंद 520x520 और छोटी कोस्ट फिर बंद प्लस छोटी कोस्ट चालू 520x520। तो मैं ये सही नहीं किया हूँ कि ये सही है। अगर उस पर नहीं निकलेगा तो यहाँ मैं दिखाया हूँ इजकल टू डबल छोटी कोस्ट और 520x520 फिर छोटी कोस्ट फिर प्लस और फिर छोटी कोस्ट चालू 520x520 और डबल छोटी कोस्ट मार दो, गारंटी है कि निकलेगा, निकलना फिक्स है। अगर आपको कहीं पे निकलना हो आप वीडियो को सर्च कीजिए, आप इसमें देखिए और आप अपना कॉपी पे लिख लीजिए और फिर निकालिए। नहीं निकलेगा तो हम तो बोल ही दिए कि उसके जिम्मेदार हम हैं, लेकिन निकलेगा एकदम फिट निकलेगा। वैसा ही मैं 20 का भी बता दिया हूँ, 20 का सरिये का वजन निकालना है तो पहले 1 मीटर का, तो 20x20 बराबर 400 भागा 162 करके 2.469 ऐसे आता है, तो इसको 2 kg 469 ग्राम ऐसे हम लोग बोलते हैं, और बाकी को जो आएगा वो ग्राम में आता है। तो चलो इतना सही है, 16 का भी ऐसे ही बता दिया हूँ, 16x16 बराबर 256 भागा 162 करके 1.580, मतलब 1 kg 580 ग्राम। ये भी आपका क्लियर हो गया। तो आज को टॉपिक में इतना ही। अब मैं सूरजवान, जो हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। तो अभी मैं यहाँ से आपको विदा देता हूँ।